नमस्कार दोस्तों, मैं परिमल घोष, आप लोग देख रहे हैं सागर नर्सरी। सागर नर्सरी की तरफ से आप सभी को वेलकम करता हूं, और ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ लाइक भी कीजिएगा। बात यह है, आज की डेट में हम नेक्स्ट पाँच मैंगो के बारे में आप लोगों के सामने रखेंगे। ये एक छोटा प्रतिवेदन जिसमें रहेगा बनाना मैंगो, जिसमें रहेगा क्यूजाई मैंगो, जिसमें रहेगा वो जो है ब्रुनेई किंग मैंगो, और हम लोग आपके सामने रखेंगे R2E2 मैंगो। ये रखने के बाद हम रखेंगे आप लोगों के सामने एक किंग ऑफ चकापात मैंगो की वीडियो। ये पांचवा मैंगो की आज जानकारी आप लोगों को सामने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सागर नर्सरी आने के लिए आप लोगों को पहले आना पड़ेगा नई हाटी से। आप पाँच नंबर प्लेटफॉर्म से निकलिएगा, और पाँच नंबर प्लेटफॉर्म से निकालने के बाद साबोए से आ सकते हैं, ब्रिज द्वारा, फुट ओवर ब्रिज द्वारा आ सकते हैं। निकालने के बाद ऑटो टोटो पकड़ के आप लोग आएंगे मादराल हाई स्कूल मोड़ हाई रोड की बगल में। जहां आइएगा वहीं सागर नर्सरी है, और आज खास जो है वही मैंगो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सागर नर्सरी का फ़ोन नंबर 7872777222। ये देखिए, ये पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है बनाना मैंगो। ये ऐसे बंचेस ये फ्रूट यील्डिंग होता है। इसी ढंग से इसका अभी इसका जो शेप है बनाना जैसा शेप है, इसीलिए इसको बनाना मैंगो बोला जाता है। और इसके शेप के अनुसार मैं आप लोगों को सामने और भी एक चीज़ इसमें जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। बनाना मैंगो इसका वेट वजन जो है ये लगभग 450 ग्राम के आसपास आ जाता है। ये 300 से 450 ग्राम होती हैं। ये मैच्योर होने का टाइम जो है जुलाई महीने में शुरुआत में ये मैच्योर होते हैं, तब इसका कलर होता है एकदम गोल्डन येलो कलर बनते हैं, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट अच्छे मीठासपन है। इसका मीठासपन लगभग 19 से लेकर 20 तक हो सकते हैं, और पौधे बहुत ही बेहतरीन है। छोटे पौधे से इसका फ्रूट बन जाता है, हर साल इसका फ्रूट होता है, और ये रेगुलर बियरिंग के अनुसार, ज़्यादातर मैंगो रेगुलर बियरिंग के अनुसार नहीं देखा जाएगा। ये एक बार होती हैं, दूसरे बार नहीं होती हैं, यही मैंगो का रूफ है। तो फिर ये अच्छा है, ये लगातार होते जा रहा है, अभी तो लगातार होते जा रहा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये हर साल होती हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है ब्रुनेई किंग। इसका शेप देखिए, ये जो शेप है धीरे धीरे ये लंबा होते जाएगा। इसका वज़न लगभग 3.5 kg से 4 kg तक इसका वेट होती हैं। फ्रूट का शेप बहुत बेहतरीन होता है, बड़ा होता है, और ये पकने का टाइम जो होता है, मैच्योर होने का टाइम जुलाई महीने का एंड अगस्त महीने का पहले वीक में इसका मैच्योर होता है। तो ये लेट वैरायटी के अंदर है। इसका मीठासपन और सेंट और दोनों ही अच्छा है। स्मेल बहुत ही बेहतरीन है और मीठासपन भी अच्छा है। इसमें बिल्कुल रेशा नहीं है, और गिटली एकदम पेपर जैसा है बोल सकता हूँ। ज़्यादा पल्प होने के कारण इसके पल्प की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। मीठासपन अच्छा है, एकदम लेट वैरायटी का फ्रूट के अनुसार इसका मीठासपन बहुत ही अच्छा है। इस बार मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, यह है क्यूजाई। देखिए कितने अच्छे ढंग से फ्रूट आया है, ये पूरा बंच आया है, एक फ्लावर से, एक मंजूर से, हाँ ऐसे फ्रूट आया है। ये फ्रूट का साइज जो है
800 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम तक इसका साइज बनता है। ये जुलाई महीने का पहले वीक में इसका मैच्योर होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ा रेडिश कलर होती हैं, जहाँ सनलाइट ज़्यादा गिरती है उस साइड में थोड़ा रेडिश कलर आती हैं। आप लोग देख रहे हैं इसमें रेडिश कलर आना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा, बट ज़्यादा रेडिश नहीं होती हैं। ये है क्यूजाई और इसका मीठापन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये क्यूजाई है, ये बागवानी क्षेत्र में क्यूजाई को अच्छे फ्रूट माना जाता है। अच्छे फ्रूट देखिए, इसका अच्छा फ्रूट माना जाता है क्योंकि इसका स्वीटनेस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। आगे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये R22 है। पिछले बार इसमें बहुत अच्छे फ्रूट आप देखे थे, आप लोग देखे थे, बहुत अच्छे फ्रूट लग चुका था। इस साल भी इसमें बहुत अच्छे फ्रूट लग चुका है। इसका यील्डिंग बहुत ही बेहतरीन है, बांचेस है, इसका यील्डिंग बांचेस की रूप से है और फ्रूट का साइज भी बेहतरीन है। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड माना जाता है। इसका कलर भी ऊपर से रेड होती हैं और एकदम राउंड शेप में आता है धीरे धीरे। फ्रूट का मैच्योर होने का टाइम भी जुलाई महीने में है। ज़्यादातर ये लेट वैरायटी के अंदर भी पड़ते हैं और आज की डेट में हम आपको, आप लोगों को सामने जितने मैंगो के बारे में बात कर रहा हूँ, ये लेट वैरायटी के अंदर ही पड़ेगा। तो ये पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी बहुत बेहतरीन ढंग से फ्रूट आया है। ये फ्रूट खाने में मीठापन अच्छा है, सेंटेड है और कलर भी बहुत बेहतरीन है। चलिए इस फ्रूट को आगे चलकर और भी बेहतरीन रखने के लिए इसमें एक दवाई की, तीन दवाई की ज़रूरत होगी, जो आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बोला था। वही दवाई थोड़ा और साइज बड़ा होगा, मतलब 50 से 60 ग्राम के आसपास साइज आएगी, तब इसमें तीसरे बार वही मेडिसिन को स्प्रे किया जाएगा। ये है आज की डेट में तीसरा, चौथा पौधे मैंगो के बारे में हम लोग, आप लोग जानकारी रखे हैं आप लोगों के सामने। पांचवा फ्रूट के बारे में मैं आप लोगों के सामने जानकारी रखना चाहता हूं। चलिए पांच फ्रूट जो है उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये कलरफुल मैंगो है, इसका शेप देखिए, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। छोटे अवस्था में से धीरे धीरे इसका कलर आ जाता है। ये बंचेस भी, बंचेस की आकार में भी ये फ्रूट लगता है, बंच के रूप से है, देखिए ये बंच के रूप से है। ये कांचा में भी इसका स्वाद मीठा होता है और ये थोड़ा रेडिश पर्पल है, रेडिश पर्पल है। और इसका वज़न जो है, इसका वज़न जो हो आएगी 800 ग्राम से लेकर, ये सॉरी 700 ग्राम से लेकर ये 1200 ग्राम तक इसका फ्रूट साइज हो सकता है। पिछले साल आप लोगों के सामने हम लोग दिखाए थे 800, साढ़े 800, 900 ग्राम का फ्रूट ग्रो बैग में ही बनता है। तो मानो ग्रो बैग में अगर 800, साढ़े 800 ग्राम के फ्रूट बन जाएगा और ग्रो बैग में इस तरह अगर बंच की रूप से अगर आएगी, ये देखिएगा ग्रो बैग के अंदर ही है, तो मानो ये अगर मिट्टी में लगाया जाएगा, इसका जड़ अगर मिट्टी में हो, तो इसका फ्रूट साइज 1200 ग्राम ज़रूर आएगी। और बेहतरीन कलर होने के नाते और मिडिल, मतलब लेट मिडिल लेट वैरायटी होने के कारण इसका बाज़ार भी
बहुत अच्छा मिलेगा। कलरफुल वैरायटी में इसका खासियत देखने में तो बहुत अच्छा है, मीठापन भी अच्छा है और इसका बेहतरीन एक फ्लेवर भी है। पिछले साल फ्रूट आया था, लगातार 3 साल ये लेके कंटिन्यू फ्रूट आ रहे हैं इस पौधे में, एक बार भी मिसिंग नहीं हुआ है। यह है किंग ऑफ चकापत। बंधु, आज की डेट में जो खास चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है प्रूनिंग। पिछले वीडियो में आप लोग बोले थे आपका पौधे इतना बंचेस के रूप में इतने अच्छे कैसे बनता है, छतरी जैसा कैसे बनते हैं। तो ये छतरी जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या किया था, पहले यहाँ पे प्रूनिंग किए थे, आप लोग देख रहे हैं ये प्रूनिंग किया गया है, ये प्रूनिंग किया गया है। उसके बाद देखिए इस पौधे से 4 ब्रांचेस निकल के आ गया, देखिए पूरा 4 ब्रांचेस निकल के आ गया। इस 4 ब्रांचेस जब आया, ये फर्स्ट नॉट है, ये फर्स्ट नॉट को हमने छोड़ दिया, देखिए सेकेंड नॉट को फिर हम लोग प्रूनिंग किया। ये प्रूनिंग करने के बाद देखिए यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ऐसे करते हुए ब्रांच निकल के आ रहा है। ये जो पत्ते के नए कुली आ रहे हैं इसको संरक्षण करना चाहिए। इसको कैसे संरक्षण किया जाएगा, ये पत्ते को संरक्षण करने के लिए अभी जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर में साइफरमेथ्रिन वाला मेडिसिन आपको स्प्रे करना पड़ेगा। बट ये नज़र रखना पड़ेगा ये साइफरमेथ्रिन का परसेंटेज 10% से अधिक ना हो, क्योंकि ज़्यादा 10% से अधिक होने से और आप लोग ये स्प्रे करें तो नहीं तो सुबह में करना पड़ेगा नहीं तो शाम को करना पड़ेगा। इस टाइम में करने से आपका ये पत्ता आप संरक्षण कर पाएंगे। उसके साथ आप लोग और भी एक काम कीजिएगा, चाहे ब्लाइटॉक्स हो, ब्लाइटॉक्स कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मतलब COC, नहीं तो साफ, नहीं तो आप चाहे एंटाकॉल ये स्प्रे कीजिएगा, मिला के 1 लीटर पानी में 3 ग्राम ब्लाइटॉक्स, 1 से 1.5 ml हमला और उस्ताद, ये मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो साफ 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम साफ और उसके साथ आप 1.5 ml हमला और उस्ताद मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ये करना ज़रूरी होगी क्योंकि पत्ते के नीचे कोई भी फंगस हो तो वो आपका पौधे का पत्ता ऐसे मोर नहीं लेगा। ये देने में, ये पत्ते में हम स्प्रे करने के लिए थोड़ा लेट हो गए थे, तो देखिए पत्ते का हाल कैसा बना दिया। इसीलिए आप लोगों को भी ये नज़र रखना पड़ेगा क्योंकि ये नए पत्ती जो है यही पत्ती जो है यही ये पौधे का भविष्य है। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे, सागर नर्सरी की वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप 7872777222 इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं शाम को 7:30 बजे के बाद, तो मैं आपको ज़रूर, आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में आपका जो जानकारी है उस जानकारी के लिए हम आप लोगों को बात करेंगे, सलाह देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अभी मैं हमारी जो बात है यहाँ विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप लोग अच्छे रहें, सुंदर रहें और सुस्त रहें, और ये प्रार्थना करता हूँ हमारी देश के साथ आप सभी को, हमारी कृषि भाइयों को तरक्की हो। धन्यवाद, नमस्कार।